बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनेई। पूरे यूटी जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन को लेकर एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हर पार्टी अपना जोर आजमा रही है। हमने देखा बीजेपी हो, कांग्रेस हो, गुपकार अलायंस हो, जम्मू एकता हो, न जाने क्या क्या, जो लोगों के बीच एक बार फिर सियासत को लेकर यहाँ पर जो है सियासत गर्मा चुकी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए सीधी बात, जो एक हमारा प्रोग्राम है कश्मीर क्राउन पर, आप तमाम लोग उसको देख रहे हैं, सीधी बात में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसी के सीनियर लीडर मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो के हालिया अपनी सर्विस जो एज ए जज जो थे, उन्होंने उस नौकरी को इस्तीफा दिया और सियासत में उन्होंने एक कदम रखा है। तो हमारे साथ आज सीधी बात में, सीधी बात करने के लिए मुजफ्फर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त इलेक्शन कंपेन में भी हैं, लेकिन हम उनसे जानना चाहेंगे यूटी के तमाम हालात, जो जैसे कि पहले रियासत थी और अब यूटी बना दिया गया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो वक्त दिया और आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में। शुक्रिया आपका भी। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुपकार अलायंस हुआ है, फारूक साहब ने और महबूबा जी ने मिलकर एक लोगों के अंदर एक नई उमंग जगाई है, एक उम्मीद जगाई है, तो उसको लेकर लोगों के अंदर अब आप क्या मैसेज लेकर आए हैं? मैसेज बिल्कुल साफ है, वाजिया तौर पर गुपकार अलायंस कोई पावर ग्रैब करने का अलायंस नहीं है, बल्कि ये एक लोगों के जज्बात की तर्जमानी है। लोग चाहते थे, दोनों लीडरान ने लोगों की नबज़ को पहचाना, लोग चाहते थे कि मुतहिद होकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले 5 अगस्त से लेकर आज तक जो तब्दीलियां लाई हैं या जो ज़बरदस्ती कानून हम पर नाफिस किए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक सियासी जंग छेड़ी जाए, एक सियासी मुहिम छेड़ी जाए। जी, दफ़ा 370 की मनसूखी अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर की एक आन बान और शान छीन ली गई, कहीं ना कहीं उन तमाम हालात को मद्देनज़र रख के लोग परेशान हाल हैं, लेकिन उस वक्त एनसी के आला हकाम जो थे, जैसे कि हम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनको नज़रबंद कर दिया गया, लेकिन कोई भी दूसरा जो सियासतदान, खासकर एनसी की अगर हम बात करें, तो खुलकर सामने क्यों नहीं आया? खाली फारूक साहब और उमर साहब ही नहीं बंद थे, जम्मू कश्मीर की जितनी टॉप लीडरशिप थी, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, जितने एक्स मिनिस्टर्स थे, एमएलएज थे, तमाम लोगों को बंद किया गया था। रहा सवाल आप कहते हैं बात करने का, भाई जहां इतनी फौज आपने पहले चढ़ाई, जैसे कि आप किसी मुल्क के साथ जंग कर रहे हैं, वो तो जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक जंग का ऐलान था। इतनी बड़ी फौज लगा के आप ये तवक्को रखते हो कि हर दरवाजे के बाहर अगर एक आदमी गन लेके खड़ा है यूनिफॉर्म पहन के, और फिर वो प्रोटेस्ट करेगा, किसकी हिम्मत है? कैसे करते? और बहुत अच्छा किया, अगर प्रोटेस्ट करते इन्होंने गोलियां चलानी थी, लोगों की जानें ज़ाया करनी थी। गुपकार अलायंस, जैसा कि आपने कहा और हमने सबसे पहले देखा कि गुपकार अलायंस में कहीं एनसी, कांग्रेस, पीडीपी और जेकेपीएम तमाम पार्टियां साथ में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके ये गुपकार अलायंस में से कुछ पार्टियों ने पाँव पीछे खींच लिया। हमने देखा कि या जैसा कि अंदरूनी मामलों की अगर हम बात करें, तो सीट शेयरिंग को लेकर एनसी जो है वो ज़्यादा सीटें लेना चाहती है, पीडीपी को कमल मिल रही थी, तो वो हमने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस साइड हो गई और बाकी तमाम पार्टियां, कहीं ना कहीं गुपकार अलायंस जो था वो सिर्फ दो ही पार्टियों तक महदूद रह गया। ऐसा नहीं है, सिवाय कांग्रेस के, कांग्रेस ने खुलमुखला ये कह दिया, एलानिया कह दिया है कि हम गुपकार अलायंस के साथ नहीं हैं, और 370 के मामले में हम बीजेपी के साथ हैं। बाकी तो किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम गुपकार अलायंस के साथ नहीं हैं, बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो गुपकार अलायंस के साथ हैं। सीट शेयरिंग एक छोटा मामला है, हमें फारूक साहब ने पहले ही कह दिया था, इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी इसके लिए कि भाई सीट शेयरिंग में कहीं हमको कुछ सीटें छोड़नी भी पड़ेंगी, तो वो एडजस्टेबल है। बाकी छोटी मोटी नाराज़गी हो सकती है, वो भी बहुत लोअर लेवल पर, हाई लेवल पर कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है, अलायंस अपनी जगह मजबूत है। ये छोटी मोटी बातें हैं कि भाई कहीं किसी को कम सीटें मिली या ज़्यादा मिली, ये कोई बड़ा मामला नहीं है। बहरहाल सिवाय कांग्रेस के बाकी सब लोग आज भी गुपकार अलायंस के साथ हैं। सर, रोशनी एक्ट को लेकर अगर हम बात करें तो लोगों के अंदर काफ़ी सारे खदशात हैं, क्या जम्मू और कश्मीर को अलग, जैसे कि ये अब डिमांड्स हो रही थी कि स्टेट बने, लेकिन रोशनी एक्ट को हमने लेकर देखा है कि बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल गलत है ये। रोशनी एक्ट में अगर आप देखोगे उसमें बहुत गरीब मुतवस्त तबका और कुछ अमीर भी होंगे। अब जाहिर सी बात है भाई, जब कानून बनता है तो कानून अमीर और गरीब की पहचान नहीं करता है। जब रोशनी एक्ट बना 2001 में, तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा फैसला था। अब उसको प्रोजेक्ट गलत किया गया और हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बगैर सुने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हज़ारों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया और उनको सुना तक नहीं। उसमें मैं एक SLP मैंने फाइल कर दी है, मुझे लगता है अगले हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट में SLP लगने वाली है। मैंने खुद वो फाइल की है, हमने SLP भी की है। उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लाज हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रोशनी की वो जो जजमेंट डिवीज़न बेंच ने दी हमारे हाई कोर्ट की, उसमें जिन जिन लोगों को अलाटमेंट हुई उनको तो सुना नहीं गया, उनको सुनने के बगैर ही आपने उनको कंडेम कर दिया। दूसरी बात, रोशनी एक्ट जो था एक लेजिस्लेशन थी, उस लेजिस्लेशन की बिना पर आपने कुछ लोगों को हकूक मलकियत दिए, उन लोगों ने आगे कहीं बहुत सारे लोगों को बेच भी दी। और पहली बात तो ये है कि एक एक्ट के तहत अगर आपने किसी को हकूक मलकियत दिया तो उसने कानूनी तौर पर यह समझ लिया कि मैं इसका एब्सोल्यूट मालिक हूँ। बहुत सारे ज़मींदार लोग हैं जो उस ज़मीन को पिछले कई दहाइयों से, बल्कि जम्मू में एक केस मेरे पास आया जिसको सदियों से वो कल्टीवेट कर रहे हैं, और उसके बाद हालांकि उनको LB6 का फ़ायदा मिल सकता था, S-432 का फ़ायदा भी मिल सकता था, जब उन्होंने कहा भाई रोशनी एक्ट आ गया है अब हम उधर क्यों जाएं, उन्होंने फीस जमा की और वो कल्टीवेट कर रहे हैं। तो अब उनको अगर आप कहोगे कि भाई तुमने क्या किया, लैंड ग्रैबिंग किया, वो तो कई सालों से उसकी पोजेशन में थी पहले ही, ग्रैबिंग कहाँ से हुई। फारूक साहब पे बड़े इल्ज़ाम लगाए गए, अगर हम देखें स्पोर्ट्स को लेकर जो एक कोटा था उस पर इल्ज़ाम हुए, ED के वो इंक्वायरी जो चली, ना जाने क्या क्या, क्या ये कहीं ना कहीं अब जाके रोशनी एक्ट में भी NC को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, या वाकई कुछ ऐसा है? इसका कोई फ़ायदा नहीं लिया है, उनकी जगह जो है वो मलकियत है। अब इल्ज़ाम लगाने में हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि आपका जो मीडिया है वो मीडिया बगैर तहकीक के, क्योंकि मीडिया जो है वो आज एक नज़रिया के अशारों पर नाचता है, एक ही नज़रियाती अशारे पर, तो मीडिया वालों ने उसको दूसरी साइड से सुना नहीं। फारूक साहब ने कहा कि भाई मैंने रोशनी के अंदर तो कोई फ़ायदा लिया नहीं है। अब मुझे बताओ, जब उन्होंने रोशनी के अंदर कोई मलकियत ली ही नहीं है, स्पोर्ट्स स्कैम जो हुआ उसको लेकर भी फारूक साहब क्या क्लियर करना चाहिए? स्पोर्ट्स स्कैम फारूक साहब के तहत कुछ भी नहीं हुआ, वो सब झूठ था, हरास करने के लिए किया गया। फारूक साहब प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कहीं साइन नहीं करता है, बिल साइन नहीं करता है, चेक पे साइन नहीं करता है, फारूक साहब का उसमें क्या रोल है भाई? वो तो एक नॉमिनल पोस्ट पे थे, फारूक साहब तो प्रेसिडेंट थे, उसमें फारूक साहब का वहां कहां रोल आ गया? अगर किसी ने को गबन किया है तो जिस आदमी ने उसको बिल बनाया होगा, सिग्नेचर किया होगा, फारूक साहब का उसमें कोई रोल ही नहीं है। वो तो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करो, फारूक साहब ने तो कहा भाई मुझे आप 6 महीने के लिए इंटरोगेट करो, करो इन्वेस्टिगेशन, मैं अगर इन्वॉल्व हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब खाली तुम इल्जाम लगा के तुम उसको सियासी तौर पर फारूक साहब को नुकसान करना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो कि भाई इल्जाम लगाया, अब जिस तरह रोशनी का इल्ज़ाम लगाया फारूक साहब ने फ़ायदा लिया, जबकि ऐसा है नहीं है। अब अगर फारूक साहब ने फ़ायदा लिया होगा भाई, उसका एक डिप्टी कमिश्नर का आर्डर हुआ होगा रोशनी एक्ट के तहत कि भाई आपने, उन्होंने फिर फारूक साहब ने पैसा जमा किया होगा, बताओ ना कहाँ है वो आर्डर DC का, वो पैसा जो जमा किया रसीद कहाँ है आपके पास, ट्रेजरी में पैसा जमा हुआ होगा ना? क्या इन चीज़ों के जवाब BJP देगी? BJP ने आज तक किसी चीज़ का जवाब दिया सिवाय झूठ बोलने के कोई काम किया, बताओ? रविंदर रैना ने एक स्टेटमेंट में कहा कि अब्दुल्लाज हो, मुफ्तीज हो, कोई भी हो, अगर रहना है तो जय श्री राम कहना, क्या आपको भी जय श्री राम ही कहना है? रैना साहब कुछ भी कह सकते हैं, मैं नहीं उनको कुछ कहूँगा, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, अजीब शख्सियत, कि उनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। भाई इस मुल्क में जय श्री राम कहने वाला भी रहता है, ला इलाह कहने वाला भी, सतसरी अकाल कहने वाला भी, क्रिश्चियन भी, यहूदी भी, ज्यूज़ भी, सब रहते हैं और ये मुल्क सबका है। कोई ये कहेगा कि नहीं भाई यहाँ जो रहेगा वो सिर्फ ला इलाह कहेगा या जय श्री राम कहेगा, तो सरासर गलत है। जय श्री राम कहना उसकी अपनी ज़ाती मामला है, ला इलाह कहना किसी का वो उसका ज़ाती मामला है, मुल्क के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ सब जो पैट्रियाट हैं, आप उसको कंडेम्ड करते हैं? बिल्कुल, उसने गलत कहा, जो भी उसने कहा वो कंडेमनेबल है, मैं उसको सख्ती से मजम्मत करता हूँ। जिस तरीके से अब रोशनी एक्ट को लेकर अगर किताब पीर पंजाल की बात करें तो लोग यहाँ भी अफेक्ट होंगे? ज़रूर होंगे इफेक्ट।
मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के रेस्क्यू में आएगी, क्योंकि वो जजमेंट बिल्कुल इलीगल है। अब इसके लिए क्या जो बाकी पार्टीज हैं जैसे एनसी है, पीडीपी है, जेकेपीएम है, अपनी पार्टी है, क्या ये अपनी तरफ से कोई कानूनी दाव पेच खेल सकते हैं? भाई कानूनी दाव पेच तो अब सुप्रीम कोर्ट ही रहता है, यहाँ डिवीज़न बेंच का फैसला है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही कहा कि बहुत सारी पिटीशन्स हुई हैं जिनमें एक मैंने भी रोशनी एक्ट को इस जजमेंट को चैलेंज करने के लिए मैंने भी एसएलपी दायर की है। अब उसमें वो कानूनी जंग है, हम लड़ेंगे, मैं उसमें खुद वकील हूँ उस एक पिटीशन में, तो हम कोशिश करेंगे। मैंने उसमें देखा जजमेंट को, मैंने जब पढ़ा तो वो जजमेंट तो भाई कंजेक्चर्स और सरमाइसिस पे है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो 370 को लेकर जो एक आपने उस वक्त एनसी ने एक एक नारा दिया था कि हम ये होने नहीं देंगे, ये कैसे होगा, हम इसको रोक रहे हैं, आखिरी दम तक एनसी ने लोगों को कहीं ना कहीं इस जान से में रखा कि ये दफ़ा 370 मनसूख नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन आखिर हो गया। अब लोगों को आप क्या जवाब दे रहे हैं? क्या एनसी उस वक्त पावर में थी? एनसी पावर में थी या नहीं थी? फारूक साहब, उमर साहब ने दिल्ली में बैठकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करी, उसके बाद यहाँ पर आकर उन्होंने ये कहा कि 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। उनको जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अश्योरेंस दिया था वो लोगों को बताया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी बात कह के मुड़ जाएं या उन्होंने उनको गलत बयानी की होगी, तो उसमें फारूक साहब का क्या कसूर या उमर साहब का क्या कसूर या मैं कहूँगा महबूबा मुफ्ती का भी क्या कसूर? कि अगर मुझे एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये फौज जो चढ़ा रहे हैं हम लोग ये इलेक्शन के लिए, उनको कहा गया था कि ये हम जो फौज चढ़ा रहे हैं, तो फारूक साहब ने जब पूछा जिस तरह उन्होंने बताया मीडिया से मैंने सुना कि फारूक साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा कि भाई आप ये फौज इतनी चढ़ा रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, किसी मुल्क के साथ जंग करनी है या क्या वजह क्या है? कहा नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि भाई आपने कोई 370 की तो बात ही नहीं थी, 35A का मामला था। कहा कोई 35A के साथ छेड़छाड़ है या क्या मामला है? कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये फौज मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ। तो अब जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा तो कान यकीन नहीं करेगा। भाई ये मुझे बताओ फारूक साहब की क्या गलती है उसमें? फारूक साहब का मतलब यकीन करना बनता था, उन्होंने यकीन किया। बीजेपी ने दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे किए, ना ही हमने यहाँ नौकरियाँ देखी, ना ही यहाँ हमने डेवलपमेंट देखी, ना ही हमने यहाँ पर कोई नौजवान खुश होता हुआ देखा। उल्टा दिन ब दिन एक नया कानून जो लोगों के ऊपर थमाया गया, लोगों के माथे पे मारा गया। अब क्या जम्मू की आवाम भी उतनी ही परेशान है जितनी कश्मीर की? या खिताब पीर पंजाल को जिस तरह से इग्नोर किया जाता है हमेशा, आज भी इग्नोर किया गया, क्या बीजेपी ने यहाँ से वोट अगर उनको नहीं मिला तो यहाँ की डेवलपमेंट तभी रोकी गई है? जिन्होंने दिया उनकी कौन सी डेवलपमेंट हो गई भाई? जम्मू वालों ने तो इन ब्लॉक दिया था बीजेपी को वोट, उनको क्या मिला? 370 जब ख़त्म किया गया 5 अगस्त के बाद, जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था जम्मू वालों को, उन्होंने कहा था भाई हम आपको दो प्रोटेक्शंस देंगे, एक तो आपकी ज़मीन प्रोटेक्ट करेंगे और दूसरा आपकी नौकरियां प्रोटेक्ट करेंगे। ना तो ज़मीन प्रोटेक्ट हुई, ज़मीन आज अगर आप जम्मू में देखोगे सब रजिस्ट्रार के पास हर रोज़ कम से कम 10 रजिस्ट्रेशनें होती हैं जो बाहर के लोग हैं, आधी ज़मीन तो जम्मू की बिक गई है। ना तो ज़मीन की प्रोटेक्शन रही, फिर कहा हम नौकरियों को प्रोटेक्ट करेंगे, तो मुझे बताओ कौन सी नौकरी प्रोटेक्ट की भाई आपने? आपने कहा जो आदमी यहाँ 15 साल से रह रहा है उसको हक है, आधी पॉपुलेशन से ज़्यादा जम्मू में बाहर की पॉपुलेशन है आज की डेट में, यूपी बिहार पंजाब और हरियाणा के और क्या नाम है शिमला के लोग हैं, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जम्मू में बाहर की है, वो सब लोग नौकरियाँ आप ले सकते हैं जो 15 साल से पिछले 30-30 सालों से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब उन्होंने भी मुकाबला करना आपके साथ, या जिसने भी यहाँ 10th की होगी, 11th की होगी, 12th की होगी, वो भी नौकरी यहाँ ले सकता है। तो आज तो ऑनलाइन सिस्टम है भाई, आप कहोगे कि जिस आदमी ने 10th यहाँ से करके वो बिहार में चला गया है तो वो वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है हिंदुस्तान में कि यहाँ PhD करके बच्चे रक्षा चला रहे हैं यूपी के अंदर, अब उसको अगर 4th क्लास की परमानेंट नौकरी यहाँ मिलेगी तो वो डेफिनेटली अप्लाई करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ना तो नौकरियाँ प्रोटेक्ट हो सकी ना ज़मीन। रहा सवाल तामीर और तरक्की का, पिछले 3-4 सालों में मुझे कोई तामीर और तरक्की की तरफ एक निशान नहीं दिखा, कोई एक इंडिकेशन नहीं दिखी कि हम कोई तामीर और तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। खिता पीर पंजाल में DDC इलेक्शन जो है पूरी UT की तरह राजौरी पुंछ में भी जो है DDC इलेक्शन जो है वो जोरों पर है, लेकिन यहाँ पर लोगों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हुई चाहे वो कोई भी सरकार हो। आज बीजेपी ने भी यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी, हमने ग्राउंड ज़ीरो से देखा।
क्या आज एनसी फिर उसी तरीके की सियासत करना चाहेगी या बदलाव है कुछ? देखो, आप ये नहीं कह सकते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रजौरी पुंछ में कोई तरक्की नहीं की। जो कुछ है यहाँ वो किसने दिया? पिछले 70 साल की एक रोड पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क ही आज़ाद नहीं हुआ। रोड बहुत अच्छी थी पहले, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपकी थन्ना मंडी की रोड है, मुझे याद है मैं 2 साल पहले के 1.5 साल पहले यहाँ कमांडर को मैं मिलने भी गया था। उन्होंने कहा जी इस रोड को हम वाइडनिंग कर रहे हैं और हमारा ये सर्वे है वो अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए हम इसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली ये ग्रिफ की रोड है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल होता नहीं है, ये डिफेंस की। अगर ठीक है, अगर वो नहीं है, लेकिन यहाँ के हॉस्पिटल्स देखिए, यहाँ के स्कूल देखिए, यहाँ के जो भी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि आज किसी अगर हम देखें दिल्ली के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, यहाँ का बच्चा कैसे कम्पीट करेगा? बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि उसकी वजह ये है कि हमारा रजौरी पुंछ जो है ये पिछली 2-3 जो जंगें हुई पड़ोसी मुल्क के साथ उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड यही कम्युनिटी रही, यही इलाका रहा। उस वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं। उसकी वजह ये है कि भाई यहाँ प्लान्ड तरीके से जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें फंड्स नहीं अवेलेबल हो सके। उन्होंने पिछली 3-4 जंगों में या कश्मीर के जो लोग थे उन्होंने जंगों में सफ़र नहीं किया, हम लोगों ने जंगों में सफ़र किया। हमारा जो कुछ थोड़ा बहुत बनता था 10-15 साल के बाद जंग हो जाती थी और जंग में वो सब कुछ उजड़ जाता था। जो थोड़ा बहुत हम अपना बिस्तर छत बनाते थे वो उजड़ जाता था। और उसकी वजह एक ये भी रही कि यहाँ तामीर व तरक्की नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। पहले 47 में हो गया, लोग उजड़ गए, 65 में फिर जंग हो गई, फिर लोग उजड़ गए, और यहाँ जितनी भी कोई डेवलपमेंट हुई थी वो भी ख़त्म हो गई, फिर नए सिरे से शुरू करनी पड़ी। तो हमने समझ लो 71 की जंग में हम फिर सफ़र किया हमने, तो 71 के बाद हमने एक सफ़र तरक्की का शुरू किया, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और इस लेवल तक हमें पहुँचाया कि आज हम कम से कम कुछ ना कुछ ये महसूस करते हैं कि यहाँ तरक्की हुई है। अब ये भी नहीं कह सकते कि वही हालत है जो 1972 में या 71 में थी, उससे हम बहुत आगे बढ़े हैं, हमने बिग लीप हमने लिया है। और अगर मौका मिलेगा, पर एक बात मैं बता दूं, ये इलेक्शन तरक्याती वादों पे नहीं है, ये इलेक्शन एक रेफरेंडम की तरह हम ले रहे हैं। ये इलेक्शन गुपकार डिक्लेरेशन के हक में वोट है, और जो लोग इसको वोट नहीं देते हैं इसका मतलब है कि वो 370 के एब्रोगेशन को सपोर्ट करते हैं। हम तो ये लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे मुजफ्फर इकबाल खान साहब को, जो अभी एनसी के सीनियर लीडर्स हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये बात अच्छी भी लगी होगी और आपके जो सवालात थे, खदशात थे, वो दूर हुए होंगे। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। मैं इसरार रैना के साथ राहिल गनई, कश्मीर क्राउन राजौरी से। राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर अनाउंसेस कोचिंग फॉर 8th, 9th, 10th ऑल सब्जेक्ट्स, 11th, 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स। ऑल्सो एंट्रेंस कोचिंग फॉर LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU एंड मोर। फॉर एडमिशंस विजिट राकिब सर्स एक्सीलेंस परेपुरा श्रीनगर। कॉल ऑन 9622-888-333, 9469-888-333। मुल्क किस तमीर से तरक्की मजिश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पेट तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी चाहे बुनलीतन या तूफान महफूज रूजिव तुह तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनन कश्मीर टर्बो TMT सरी ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।